और मुस्कुराते हुए गुलाम शाहिद चाचा जी जवाब देंगे और मैं फर्स्ट सवाल आप प्रशिक्षण के विकास के प्रति क्या करेंगे म की समस्या से निपटा है तो कौन सा कदम ठोस उठाएंगे आप और आप सभी जनप्रतिनिधियों के भी वाहन इस जाप की समस्या में फंस जाते हैं सभी अस्पताल के लिए कौन सा ठोस कदम उठाएंगे देखो हॉस्पिटल पॉइंट जैसे में रेड क्रॉस की पॉइंट है रेड क्रॉस ब्लड का पॉइंट रफीगंज में होना चाहिए क्योंकि रफीगंज बहुत ही बड़ा क्षेत्र दिया जाता है दो महीने का राशन गमन कर दिया खास करके प्रधानमंत्री द्वारा जो फ्री का राशन दिया जाता है वो गमन कर दिया जाता है उसके बाद क्या उसमें एक उद्बोधन में कहा था लाइब्रेरी के बारे में तो यहाँ रफीगंज में कहा लाइब्रेरी की उद्घाटन किया जाएगा और वहाँ लाइब्रेरी में दलित वर्ग के लोग जाएंगे या फिर उच्च वर्ग के लोगों का ही व्यवस्था किया जाएगा और युवा लोग अपने बॉर्डर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए वो तैयारी करते आर्मी हो गया वो सब तैयारी करते हैं

नमस्कार मैं पुरुषोत्तम विश्वकर्मा आप सभी दर्शकों को परिवर्तन तक न्यूज़ में स्वागत है आइए हम वैसे शख्स से परिचय करवाते हैं जो रफीगंज के नवनिर्वाचित वित्त नवनिर्वाचित सह तीसरे बार रफीगंज के नगर पंचायत प्रतिनिधि बन चुके हैं और वे पूर्ण बहुमत से इस बार भी जीते हैं उनसे परिचय करवाते हैं सबसे पहले आपका परिवर्तन तक न्यूज़ में स्वागत है अंकल जी सर्वप्रथम परिवर्तन न्यूज को धन्यवाद और हमारे जो भी जनता और नागरिक शहर के जो सुन रहे हैं उन सभी को कोटि कोटि प्रणाम और इस चुनाव में मदद करने के लिए उन्हें धन्यवाद और मैं कुछ रफ़ीगंज के विकास के प्रति सवाल करूंगा वो हंसते और मुस्कुराते हुए गुलाम साहिद चचा जी जवाब देंगे और मैं फर्स्ट सवाल करूंगा आप रफ़ीगंज के विकास के प्रति क्या करेंगे विकास देखिए कई तरह के विकास है गत पाँच वर्षों में क्या विकास हुआ ना हुआ उस सब आप लोग अवगत है तो मैंने जो भी इलेक्शन कॉम्पेन में वादा किया है ये हमारे दोनों चुनाव प्रभारी श्री हरेंद्र कुमार जी पूर्व मुख्य पार्षद और श्री जोगेंद्र जी डॉक्टर जोगेंद्र जी पूर्व पार्षद और हम तीनों ने जो भी मिलकर वादा किया उस सभी वादों को पूरी तरह से पूरा करेंगे और सबसे एक यहाँ रफीगंज नगर पंचायत की मुख्य समस्या है वो रफ़ीगंज में जाम की समस्या है उस जाम की समस्या से निपटा रहे है। तो कौन सा कदम ठोस उठाएंगे आप जाम के संबंध में हम परसों पटना से सर्कुलर ले आए हैं जाम जो है उसके लिए सर्वप्रथम हमको ए, वो ये लगाना पड़ेगा नहीं। नहीं। हाँ नहीं नहीं। नो एंट्री लगाना पड़ेगा तो नो एंट्री के लिए हमने ये चाहेंगे कि आठ बजे सुबह से आठ बजे रात तक के जो पांच साइड से गाड़ी जो रफी मीन करती है कासमा रोड किया खाप रोड फिसरा रोड गो रोड और गया रोड इन पांचों पर बोर्ड लगेगा और पाँच बजे से पाँच बजे तक ये रोड नो 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 एंट्री के लिए वो लग जाएगा और इसके बीच में कोई भी भारी वाहन प्रशासन का गाड़ी छोड़कर और अग्निशामक या फिर हॉस्पिटल की गाड़ी छोड़कर नहीं चलेगी परंतु यह नो एंट्री पहले से लगी हुई है परंतु इसमें प्रशासन नाकाम रहती है रफीगंज प्रशासन इसके बारे में प्रशासन को क्या संदेश देना चाहेंगे आप प्रशासन के प्रति कौन सा ठोस कदम उठाएंगे नहीं जो विधवा ढंग से उसके लिए कभी नगर पंचायत सजग नहीं रहा है विधवा ढंग से ये होता है कि इसको सर्वप्रथम बैठक में पारित करना पड़ेगा पारित इस को उपरांत जो है सारे लोगों को लेटर देना पड़ेगा एस डी साहब हुए ऊपर के पदाधिकारी हुए थाना हुए सभी लोगों को उसकी जानकारी दी जाएगी उसके बाद ही काज किया जाएगा और लोकल प्रशासन से हमें पूरी उम्मीद है शत प्रतिशत कि हम लोग के साथ रहेंगे क्योंकि उनको भी कठिनाई हो रही है प्रशासन और फोर्स भेजने में और आम जनता को भी कठिनाई हो रही है और जो भी बीमार लोग हैं उनकी गाड़ी नहीं निकल पाती है इसलिए वो रास्ते ही में ड्रेस कर जाते हैं और समय हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाते हैं और आप सभी जनप्रतिनिधियों के भी वाहन इस जाम की समस्या में फंस जाते हैं सभी का फंसता है हम लोग तो मान लीजिए सुलह ही सभी का फंसता है और खासकर जो है जो रोगी हैं उनका फंसता है उनका जान चला जाता है और एक समस्या है रफ़ीगंज में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था के सुधार हेतु आप कौन सा कदम उठाएंगे जो कि यहाँ से रेफर के दौरान हर मरीज़ ज़्यादातर मरीज, मरीज यहाँ से रेफर भी हो जाती है वैसी सुविधा नहीं रफीगंज स्वास्थ्य सरकारी हॉस्पिटल में होने के नहीं कारण और ज़्यादातर रेफर के दौरान उनकी मौतें हो जाती है इसके लिए आप रफीगंज सरकारी अस्पताल के लिए कौन सा ठोस कदम उठाएंगे देखो हॉस्पिटल के संबंध में हमको विशेष जानकारी नहीं है कि हमारे पास जो नगर में जो फंडिंग आता है उसमें हम हॉस्पिटल में खर्च कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं बहुत पहले जो है जब दो टर्म एम चेयरमैन रहे तो उस समय हॉस्पिटल के लिए कोई अलॉटमेंट सरकार से हमारे पास नहीं था अब गाइडलाइन आया है गाइडलाइन पढ़ा नहीं है पढ़ेंगे और हमको लगता है कि स्वास्थ्य के लिए भी कुछ सरकार पैसा या सहयोग करेगी तो हम लोग हॉस्पिटल को करेंगे आप अपने तरफ से क्या करेंगे सरकारी अस्पताल के लिए जो भी फंडिंग होगा उसको सात प्रतिशत उसको देंगे और लागू करेंगे और एक समस्या है रफीगंज में ब्लड डोनेशन की पॉइंट जैसे औरंगाबाद में रेड क्रॉस की पॉइंट है वह रेड क्रॉस ब्लड का पॉइंट रफीगंज में होना चाहिए क्योंकि रफ़ीगंज बहुत ही बड़ा क्षेत्र है वो ब्लड डोनेशन पॉइंट के लिए आप क्या करेंगे हाँ सर रेड क्रॉस का कैसा सपना होता है इस संबंध में हमको जानकारी नहीं है हम औरंगाबाद जाएंगे रेड क्रॉस वालों से खासकर सतीश जी वगैरह से बात करेंगे उनसे पूछेंगे कि किस आधार पर और कैसे कैसे इसका स्थापना होता है और कैसे इसका काम होता है क्योंकि इसमें हमको जानकारी नहीं है इसलिए विशेष हम नहीं बता सकते हैं। और रफीगंज में पीडीएस डी जन वितरण प्रणाली की बहुत ज़्यादा समस्या दलितों समाज के वार्डों में दलित समाज के वार्डों में ज़्यादातर महीने एक महीने का राशन गमन कर दिया जाता है दो दो महीने का अगर राशन गमन कर दिया जाए खास करके प्रधानमंत्री द्वारा जो फ्री का राशन दिया जाता है वो गमन कर दिया जाता है उसके बारे में आप क्या ठोस कदम हाँ ये जो बैठक होने वाली है नगर पंचायत की समान बैठक संभवतः लास्ट जनवरी और या फर्स्ट फरवरी में होगा उसमें हम लोग कई कमेटी बनाएंगे जिसमें स्वास्थ्य कमेटी भी रहेगा पीडीएस को भी देखेगा तो हर एक वार्ड में जो वार्ड कमिश्नर रहेंगे उनको देखना है उनको एक अधिकार दिया जाएगा और वही लोग जो है देखेंगे और इससे वह उस अवसर पर हम मार्केटिंग ऑफिसर को भी बुलाएंगे और वो आएंगे असल दरअसल क्या है कि जो गेहूं का जो ट्रांसपोर्टेशन जो होता है एफ से वो ट्रांसपोर्टर के माध्यम से होता है तो वो बोरा जो है पचास किलो साढ़े सात सौ ग्राम का होना चाहिए लेकिन वो बोरा ही सुनते हैं कि पैंतालीस किलो आता है तो जाहिर सी बात है कि पैंतालीस किलो जब गेहूं आता है या चावल आता है तो डीलर भी कुछ कम देता है तो हमको पहले वो सुधारना है पी डी वाले को जो है वो फिफ्टी किलो पक्का गेहूँ मिले और जब फिफ्टी किलो पक्का गेहूँ मिलेगा तो हम लोग स्वाभाविक है उनसे गेहूँ लेंगे पाँच किलो एक तो किलो। इसके लिए आप ठोस कदम उठाएंगे बिल्कुल बिल्कुल हम तो उसी लाइन का आदमी हैं पूरा उठाएंगे हम जानते हैं ना कैसे कैसे क्या होता है वो सब होगा और ज़्यादातर दलित वर्ग के वार्डों में पाँच के जी की जगह चार के जी और राशन वितरण किया जाता है इसके लिए आपका ठोस कदम कौन सा रहेगा तो यही ना कह रहे हैं गेहूँ कम मिलता डीलर को और वही बहाना उसको कम देता है जब गेहूँ उसको पूरा मिलेगा तो जाहिर सी बात है वो पाँच किलो देगा और पाँच किलो हम लग लेंगे लेकिन सबसे पहले तो दुष्ट करना है मार्केटिंग ऑफिसर को दूसरा दुष्ट करना है ए को तीसरा जो ट्रांसपोर्टर जो माल देता है उसको ये लोग तीनों जो पचास किलो गेहूँ और चावल देगा बोरा में तभी ना आप पूरा वो ले पाइएगा तो इसलिए यहाँ पर डीलर का गलती कम है ज़्यादा जो लोग जो गेहूँ के अलॉटमेंट जो यहाँ गोदाम तक लाते हैं उनका ज़्यादा इसमें मैंने घाल मेला उनका वो समाप्त कर दिया जाएगा और एक आपने कुछ दिन पूर्व एक निजी कोचिंग संस्थान के एक उद्बोधन में कहा था लाइब्रेरी के बारे में तो यहाँ रफीगंज में कहाँ कहाँ लाइब्रेरी की उद्घाटन किया जाएगा और ओपनिंग किया जाएगा तेरह नंबर वार्ड में माननीय अशोक कुमार सिंहपुर विधायक के द्वारा एक लाइब्रेरी दिया गया है उसका कुछ काम बाकी रह गया जिसको हम करेंगे वहाँ रीडिंग रूम बनाने जा रहा है और दूसरा के वार्ड नंबर एक में जब हम वर्क कर रहे थे तो महादलित टोला में जमीन भी है तो कुछ लोगों ने बात रखी थी तो वहाँ भी हम लाइब्रेरी बनाने जा रहे हैं और हमने वादा भी किया है और तीसरा हम सोलह नंबर वार्ड में वादा किया है लेकिन जमीन देखना पड़ेगा कि कहाँ पर है अगर कहीं पर जमीन सरकारी उपलब्ध होगा तो वहाँ भी मैं लाइब्रेरी काम करूँगा और वहाँ लाइब्रेरी में दलित वर्ग के लोगों जाएंगे या फिर उच्च वर्ग के लोगों का ही व्यवस्था किया जाएगा नहीं हर वर्ग के लोग जाएंगे जो भी छात्र छात्राएँ सब जाएंगे और टाइमिंग हम सेट कर देंगे छात्राएं छात का अलग छात्र का अलग उसमें किस प्रकार की व्यवस्था रहेगी आईडी कार्ड रहेगी या फिर और व्यवस्था रहेगी ये तो भी नहीं बता सकते हैं क्या तरीका होगा चूँकि हमको कुछ बात करना पड़ेगा लाइब्रेरी क्यों जो स्टाफ होते हैं दूसरे जगह उससे लेकिन हाँ रीडिंग रूम टाइप का बनाने कि हर लड़का का अलग अलग चैम्बर रहेगा चाहे पच्चीस हो तीस हो चालीस हो जो भी हो रीडिंग रूम टाइप का रहेगा रीडिंग केबिन कही है उसको हाँ और एक रफीगंज में समस्या युवाओं के लिए युवा के लिए स्पेशल एक रफ़ीगंज आर आर फील्ड है जिसमें अपने और युवा लोग अपने बॉर्डर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए वो अपने तैयारी करते हैं आर्मी हो गया वो सबकी तैयारी करते हैं उसके लिए रफीगंज आर बी फील्ड की वैसा व्यवस्था नहीं रहने के कारण जल्द ही उसका काम हुआ था जिसमें आ, कहा जाता है कि उसका बाउंड्री गिर गया है आप भी देख सकते हैं वहाँ की समस्या आर फील्ड की जो कि उसका जो विकास है घुर घुरा कर गिर गया तो आर फील्ड के लिए आप कौन सा ठोस कदम उठाएंगे उसकी व्यवस्था पूर्ण रूप से संचालित रहे और उस आर आर फील्ड की व्यवस्थापक के बारे में क्या कहेंगे असल सरकार से जो फंडिंग आती है तो सब का अलग अलग हेड होता है तो अभी जो कल था बारह से सत्तर तक वो हेड अब चेंज हो गया है को देखना है कि जो हमारे पास पैसा आने वाला है उसमें कौन कौन सा काम हम करा सकते हैं ये अभी हम गाइडलाइन नहीं पढ़े हैं नब्बे पेज का गाइडलाइन है लेकिन अभी हम पढ़े नहीं हैं वो डाउनलोड करके पढ़ेंगे तो उसको देख ही के बता सकते हैं कि हम क्या मदद कर सकते हैं स्कूल के लिए हाँ एक चीज़ कर देंगे जो लाइटिंग का व्यवस्था है वो हम मई के महीने के आसपास में हम कर देंगे लाइटिंग की व्यवस्था कर देंगे और आप ब्लॉक में असुविधा होती है बहुत आर काउंटर में असुविधा होती है तो आप ब्लॉक के लिए क्या करेंगे ब्लॉक के लिए भी मिल बात करेंगे हम हम बी डी साहब से सी साहब से बात करेंगे उस समय विशेष हम बात में, में बताएँगे चूँकि हमारी बैठक अभी नहीं हुई है बैठक में मशवरा लेंगे अपने अपना जो वार्ड कमिश्नर हैं जो उनकी तकलीफ़ हुई है ब्लॉक में अंचर वो अपना बात रखेंगे उसी हिसाब से आगे के कदम उठाएंगे आप रफ़ीगंज नगर से चुनाव जीते तो रफ़ीगंज नगर वासियों के क्या संदेश देना चाहेंगे अपने तरफ से संदेश यही देना चाहते हैं कि बहुत 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 शुक्रिया जो आप सभी ने जात पात से उठ हमें वोट दिया और संप्रदाय से उठ वोट दिया इसके लिए धन्यवाद और दूसरी चीज़ ये चाहेंगे कि हम अभी इकतीस मार्च तक के जो फंडिंग का काम कर रहे हैं और अप्रैल में बैठकर एक प्लानिंग बनाएंगे कि कैसे कैसे क्या करना है और मई महीने से हम लोग प्रस्ताव लेंगे इसलिए हम चाहेंगे कि चार महीना लोग धर्ज करें सभी लोग और मई से हम काम को आ, सारे काम में फंक्शन में आ जाएगा चूँकि अभी हमको प्लानिंग बनाना है क्या करना है नहीं करना है कहाँ क्या व्यवस्था है ये खुद हम पहले करेंगे पैसा भी जो है हमको कहाँ से क्या लाना है उसके लिए भी काम कर दूसरा जी कि बजट नहीं पिछले साल बना है हम बजट बनाएंगे बजट में प्रावधान रखेंगे हर चीज़ का हेड खोलेंगे कौन कौन काम में पैसा हम खर्च कर सकते हैं तो भी ना भाई हर चीज़ में पैसा खर्च होगा सबसे पहले बजट बनता है तो हमको लगता है पिछले बार हम लोग को तो मीटिंग में बजट ही नहीं मिला कॉपी क्या काम होगा नहीं होगा तो बजट बहुत ज़रूरी चीज़ है और बजट बनाएंगे वो मार्च में बजट बन जाएगा और अप्रैल में हम प्लानिंग बनाएंगे और मई में सारे मेंबर्स के साथ बैठ के अलग अलग जिनका भी जो भी कमियाँ या कुछ खास टाउन से लोग जो है जहाँ जहाँ जो रिक्वायरमेंट रहेगा उसी हिसाब से आगे का काम किया जाएगा एक आपसे स्पेशल सवाल रहेगा आपके विपक्ष में सबसे ज़्यादा कौन रहते हैं यहाँ कोई विपक्ष है ये नहीं यहाँ सब एक तरफा है कोई विपक्ष नहीं है सभी लोग हमको मदद कर रहे हैं भाई कुछ अंदर से कुछ बाहर से लेकिन मदद सब लोग किया है हर घर में हमको वोट मिला है एक जान लीजिए अगर दस वोट है तो वहाँ भी तीन वोट है पाँच वोट है तो वहाँ भी दो वोट इस तरह से वोटिंग हुआ है हर घर में हमको चाहता लोग और वोट मिला है काम के आधार पर ये सर ने हंसते और मुस्कुराते हुए कहा कि रफीगन नगरवासी का अथाह प्रेम है और एक स्पेशल सवाल रहेगा और कि आपके सबसे घर में ज़्यादा कौन मानते हैं हमको यहाँ की जनता मानती है जो मुसलाइक नहीं है लेकिन फिर भी जनता सबसे ज़्यादा मानती है और उसी का स्नेह प्यार से हम आगे बढ़े हैं बस यही जानते हैं और आपके साथ एक आपके साथी हैं हमारे योगिंदर चचा जी आप नगर पंचायत प्रतिनिधि के बारे में आप क्या कहेंगे योगिंदर चचा जी सबसे पहले आपको बहुत बहुत ही परिवर्तन न्यूज़ को धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकाला और रफ़ीगंज में विकास की बातों को उठाया जहाँ तक बात है रफ़ीगंज मुख्य पार्षद प्रतिनिधि डॉक्टर ग़ुलाम शाही साहब का तो इनके बारे में विशेष कुछ कहना नहीं है वो इसलिए कि इनके चाहने वाले लोग इतने हैं इनके काम को चाहने वाले हैं कि 2002 में जब पहला बार चुनाव हुआ वार्ड आयुक्त के द्वारा तो उसमें भी चुने गए और जब डायरेक्ट इस बार चुनाव हुआ तो यहाँ के भी लोगों ने हर धर्म जाति मजहब से उठ करके विकास के नाम पर विकास के नाम पर इनको अथाह प्रेम दिया अथाह मैंडेट दिया, अथा दिया और हम लोग विश्वास दिलाते हैं कि हम लोग अपने वादा पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे तभी की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और यहाँ के मुख्य पार्षद प्रतिनिधि विकास के नाम से जाने जाते हैं विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और वो इस चीज़ को पूरा करने का प्रयास करेंगे ऐसा मेरी मानना है और आप बताएंगे अंकल जी सबसे पहले वर्ष के अवसर पर आप परिवर्तन पर तक न्यूज़ को बहुत बहुत शुभकामना जी धन्यवाद और विशेष क्या इस चुनाव में नगर निकाय जो बिहार में लागू हुआ पहली बार हम लोगों ने यहाँ पर तीसरी बार मैडम यहाँ पर कब्जा जमाया रफ़ीगंज पर और रफ़ीगंज की जनता ने जो मैंडेट दिया है इसे तमाम जनता को हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं क्या कि माइनॉरिटी से होकर के भी यार जितना हमारे लोग चाहत थे विकास पुरुष उनके मोहतरमा डॉक्टर गुलाम शाहिद साहब मैदान में प्रथम बार नगर निकाय का चेयरमैन बने थे और मैडम दूसरी बार और फिर तीसरी बार ये रफ़ीगंज में जो जनता के द्वारा विकास जो किया पूर्व में उसी का इनको मैंडेट मिला और इनको विकास पुरुष के नाम पर लोग जानते हैं विकास बहुत सा किए हैं तमाम क्षेत्रों में कब्रिस्तान के नाम पर शमशान घाट के नाम पर लाइब्रेरी के नाम पर पुस्तकालय के नाम पर छठ घाट के नाम पर या और सामुदायिक भवन सोसाइटी के नाम पर या पियाव मंदिर के नाम पर सारे चीज़ों के नाम पर कितना के हैं अनगिनत संख्या है सैकड़ों इन्होंने पथ प्रकाश सैकड़ों इन्होंने चापाकल और अन्य बहुत सा विकास कार्य इतना किया है इसी के नाम पे 500 हम लोगों ने पहली बार यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाए और बहुत सारा काम किया इसीलिए विकास पुरुष के नाम से इनको जाना जाता है अब विकास के नाम पर ही इनको इतना मतदाता ने वोट दिया और इस चुनाव में इनको चुनाव जीत हासिल हुआ बाकी आप सभी नगर वासियों का आशीर्वाद था और ये तीसरी बार नवनिर्वाचित रफीगंज नगर पंचायत के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त हुए और बाकी कोई भी सवाल रह गया हो नगर पंचायत के विकास के प्रति आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि ये सवाल रह गया और अगले इंटरव्यू में फिर दोबारा इनसे इंटरव्यू लेंगे उसमें पूछा जाएगा कि आपने इस इस विकास कार्य को क्यों नहीं किया और ये सवाल रह गया था और इस विकास कार्य को करेंगे बाकी सर का जवाब और मेरा प्रयास कैसा रहा आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएँ जय हिंद जय भारत भारत माता की जय